अरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो भाई, आपने जो एक मामला देखा होगा, अटेली के पास एक गांव है कि एक लड़का जो है अपने ही गांव के लड़की को लेकर के चला जाता है और उसके बाद वो 3-4 दिन के बाद भाई उस लड़के को जो है मार दिया जाता है। तो आज मोनिका लोहान हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि क्या उसको मारा वो सही था, क्या वो गलत था और क्या कुछ रहेगा। तो राम राम बेबे। राम राम भाई। तो बेबे, एक मामला हरियाणा में बहुत ज़्यादा, एक के बहुत सारे मामले हैं, लेकिन आप एक की बात कराएंगे। जो पीछे था अटेली के पास एक गांव है कोई, वहां पे देखने को सामने आया था कि भाई एक गांव की लड़की एक लड़के के साथ जो है चली जाती है, उसके बाद उसको मार दिया जाता है। तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या सही है क्या गलत है? सबसे पहले तो गलत बात यह है कि भाई बहन भाई का ब्याह नहीं करया करते। बिल्कुल सर, हम दिखने लग रहा है एक गाँव में रह कर आप तो गांव की बात करा, अगर अपने गुआंड का भी और अपने गोत का भी, हाँ। जो अपने गोत में उसने वो भी भाई हो गया, आप उससे भी इसी गंदी हरकत इसी गंदी नजर ऐसा काम नहीं कर सकते। गुआंडी गले भी और तो गांव का हो गया और गांव गले ब्याह कर गया तो डूब का मरने की बात है इसमें, इस तो बड़ा पाप और क्या होगा। अच्छा, जैसे वो लड़का जो लेके गया था, उनके घर वालों ने मतलब उसको जो है मार दिया या उसके भाई ने वो कर दिया, तो वो क्या सही था? भाई देखो, गलती दोनों की थी। ब्याह छोरा ने भी कराया, छोरी ने भी कराया, न्यू नहीं था कि भाई छोरा ने पकड़ के उसका धक्का माड़ा गैली है और उसने बजाय कर ले गया। ठीक है, तो यह बात है कि भाई उसने लड़का ने लड़की वाले ने लड़का मार दिया, हाँ। उसकी जान ले ली, हाँ। तो उनकी लड़की का क्या करे उनने, वह तो है न्यू है, वह तो सेफ हाउस अगर है। अगर सेफ हाउस में अगर सजा देनी थी तो दोनों तो देनी थी, एक घर का लाल खप गया लेकिन दूसरा घर तो न्यू है, दूसरा घर भी न्यू नहीं है भाई, उसके भी घर के दुखी तो होएंगे। इतना बड़ा कांड गांव में हो गया, गांव में मुंह दिखाने के लायक नहीं हुई, लेकिन गलती आड़े करिए कि भाई सजा दोनों तक देनी थी। ईमान लो, अगर उन कानून की तरफ से सजा मिले लड़की ने तो 2 साल की 4 साल की कैद हो उसका, इस तो बड़ी के कानून के सजा देगा उसने, लेकिन सजा अगर बराबर दोनों का ही गोली मार देंगे नहीं, तो बड़ा तो चौक में खड़ा करके दोनों ने बराबर का फैसला हो जाए, कोई आगे इसी हरकत करे भी कौन ही रुआ सजा देख करने, कौन ही करे रे, क्योंकि जब उनका दोनों का गोली उनकी नाड़ काट देनी खड़े कर कने तो आगे कोई ऐसा गलत काम करे कौन ही रे। यो एक नू बणजे रहा भी ओड़े उस गांव में नू करया था, उन बहन भाई ने ब्याह करया था, अशर्म की बात है रे, अपनी बुआ और अपनी बेबे तो ब्याह करने लग रहे, दुनिया देश पानी का भर गया के। एक और बात, कहीं ना कहीं जैसे उन्होंने उनको मारा तो कहीं ना कहीं कानून हाथ में लेने वाली बात नहीं होगी? कानून हाथ में लिया है, अगर सजा उन्हें देखो उन्हें ब्याह कर लिया था तो पेश कर देने ने उन्हें, हाँ। कानून देखकर अपने हिसाब से उनको सजा देनी है, वो मारने हैं कि नहीं मारने हैं, तो उन्हें कानून भी हाथ में ले लिया और दोनों घर बर्बाद भी हो गए। तो देखो, वो तो चलो लिया, उसने अपनी जान गवा ली। आगे भी आपने पता है जो अपने हरियाणा में बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, एक गाँव के होते हैं, बहुत सारे मतलब रिलेशन में होते हैं लेकिन वो सामने नहीं आते, तो उनसे आप क्या कुछ कहना चाहोगे? भाई बड़ी शर्म की बात है, घर के भेजे हैं पढ़ने खातर बैठ जो पर का में खोल कर ना फोन ने, जो माँ बाप है कि मेरा एक टाइम की रोटी पानी छोड़ कर तारी कापी किताब ले आवे, उसने साइड में दर कहता हम फोन ना पे छोरे छोरी आपस में बात करो और चैट करो, इस तो शर्म की बात क्या होगी। वह सोचे तारे बाले कामयाब हो जाए तम पर कम बैठ कर अपनी जिंदगी खराब करने लग रहे, या जिंदगी कामयाब होने के दो चार साल जो जिंदगी के हुए इनमें करके दिखाना पड़ा है, कुछ हाँ भाई कामयाब होकर दिखाओ कि नु इसमें कोई कुछ नहीं दे रहा। आज अगर तम किसी ने देख लिए बैठे तो गांव में न्यू बात चलेंगे कि फलाने के बालक पार्क में बैठे थे, तो कितनी गलत बात है, कितनी शर्म की बात है यहाँ। तो जो माँ बाप दिहाड़े भर का तुमने पाला है तो उनकी इज्जत ना माटी में मिलाओ, मैं तो यो कहूँगी कि भाई ठीक रहा करो, जो बहन भाई का नाता है जो बुआ का नाता है भाई दिल तो निभाया करो, इन्हें आख्या तो आप गंदा तरीका से देखा और इन्हें सही तरीका से देखा, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सही तरीका से देखो ताकि समाज भी अपने सही कहे कि हाँ भाई इसकी नज़र सही है। बिल्कुल। तो भाई आपने जो है बेबे की बात सुनी, कहीं कहीं जो यो समय होता है कॉलेज का हो गया स्कूल का हो गया, कामयाब होने का समय होता है, लेकिन बहुत सारे बालक जो हैं मिसगाइड हो जाए हैं, हाँ। भटक जाए हैं, जो करता है उसके माँ बाप 100-200 रुपये देवें दिहाड़ी करके खेत में गेहूं बेच कर जो भी देवें, लेकिन वो कहीं जाकर पिज्जा चाहिए, अपने घर की सिचुएशन हालात देखने चाहिए कि मेरा एक टाइम घर में रोटी नहीं हो खाने, लेकिन फिर भी माँ बाप ने किराया भाड़ा देना पड़ा अपने बालक तक ले आकर, तो वे उनका कहानी क्यों नहीं देखते कि भई ये 50 रुपये तेरी माँ ने तेरे तेन कही भाई तुम्हारा सन उल्टा है जे भाड़ा बरकन है कॉलेज में जावे है तो उड़ा दे हैं छोरियाँ पैर वह छोरी उड़ा दे छोरे पर कोई बात है या जिंदगी अपनी भी बर्बाद करें घर क्या भी करें आगे आने वाली पीढ़ी खातर भी गलत संकेत देने लग रहे हैं ये। बिल्कुल।
अगली भी नुए करेगी, जे अपन नु करेंगे तो अपने अगले भी नुए करेंगे, उनते अगले भी नुए करें तो देश का नाश होगा। अपने देश सोने की चिड़िया आयो भारत है, लेकिन को नहीं रहे आई वे, क्योंकि गंदे इतना खिंड गया, कोई किसी गले बाजे है, कोई किसी ने लिया है, एक यो लिविंग वाला ऐसा सिस्टम छेड़ रखे है, काले पन्ना करे है सरकार, कहते हैं इसके गले रह ले, छह ब्याह कराओ छूट दे रखी है, इतनी भी छूट को नहीं अच्छी हो जा कर दी छोरी है तो कि इतनी छूट मिलेगी, कितने ब्याह कर लो कड़े जाओ, छोरे की कोई जिंदगी नहीं होती, वो बेचारा फिर हैंडे जाओ मीडिया में पाछा नू करता भी मेरी बहू ने लिया दो, मेरी बहू ने लिया दो, यो एक काम रह गया, शर्म कर लो। आदमी की भी कहीं कहीं सुनवाई होनी चाहिए, होनी चाहिए सुनवाई, क्यों नहीं होनी चाहिए, क्या गलती है आदमी, आदमी सारा दिन कमावे घर तक बाहर रह कने और आ कने बहू तक देवे और वो आकर ऑर्डर मार दे, बहू को नहीं गैट रह रही भाई, किसी की भी नहीं गैट रह रही, दो दिन में रंग दिखा दे, नई नई बहू कच्चा हुआ है, दो दिन पाछा में न्यारे गुदड़े गिर दे अपने सासू ससुर हैं, कोई को नहीं किसी की बहू गैट रह रही, छोरियां ने नूना सोचो ये छोरी हैं गरीब हैं, कोई गरीब को नहीं आजकल में, सारी जमन एक तेक है, मरा रही है छोरियां की कसूती डाल। तो भाई बिल्कुल मतलब एक हाथ ताड़ी नहीं बजा कर दी, छोरे छोरी आज का टाइम दोनों सेम हो रहे हैं, दमा दोनों सेम है। तो भैया वीडियो आपने पूरी देख ली है, जो भी भटक रहा है अपने घर वालों से, जो यो कामयाब होने का टाइम था और भटक गए हो, तो भाई भी समय है सुधर जियो, नहीं तो भाई कुछ ना कुछ गलत हो सकता है और आने वाले फ्यूचर में आपके साथ गलत हो सका है। तो इस वीडियो ने आपने देख लिया, वीडियो में आपकी क्या कुछ राय है आपकी राय में कमेंट बॉक्स के जरिए दे देना, आगे मिलेंगे कोई नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हरियाणा जय भाईचारा।